क्या आपके डेयरी मैन का पशु कुछ हफ्तों से बहुत कम चारा चल रहा है और उसका मिल्क प्रोडक्शन तो कम हुआ ही है, साथ साथ फैट परसेंट बहुत ज्यादा घट गई है। हमारे डॉक्टर जीनियस वेट के अनुसार इस तरह के पशु का गोबर बहुत ज्यादा ढीला आ रहा होगा और यह गोबर धरती पे गिरते ही बिखर जाता है। इस तरह के गोबर की ऊपर की लेयर हवा के संपर्क में आने से बिल्कुल काली या डार्क पड़ जाती है, तो यह केस क्रोनिक रूमिनल एसिडोसिस या CRA का हो सकता है। इस तरह की कंडीशन में डॉक्टर जीनियस वेट हमेशा फाइबर पाउडर यूज करते हैं, क्योंकि फाइबर का लिग्निन परोक्सीडेज फाइबर की लिग्निन लेयर को तोड़ देता है, जिससे कि फाइबर की डाइजेस्टिविटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। इसके ऑक्सीजन स्केवेंजर रूमन की हवाई ऑक्सीजन को सोख लेते हैं, जिससे कि रूमन की माइक्रोवेल एक्टिविटी नॉर्मल बनी रहती है। फाइबर का एंटीमनी पोटेशियम टार्ट्रेट रूमन की मोटिलिटी को नॉर्मल करने में हेल्प करता है, और इस तरह से पाउडर फाइबर CRA की कंडीशन को एलिमिनेट कर देता है, जिससे कि हमारे डेयरी मिल्क एनिमल वापस नॉर्मल फीडिंग पे और नॉर्मल मिल्क प्रोडक्शन पे आ जाता है। हमारी डेयरी मैन की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए डॉक्टर जीनियस वेट का बहुत बहुत धन्यवाद, एंड थैंक यू वेरी मच अगेन फॉर मेकिंग नीड सेफ्टी मिल्क कॉन्सिमेक्साइन फाइबर मोस्ट ट्रस्टेबल सॉल्यूशन इन द कैटेगरी।